विश्वास है कि एक तो हमें आंख की लड़ाई मार गई हो, दूजे हमें यार की जुदाई मार गई हो, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथे खुदा की खुदाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, मार गई। अब उनके गीत में बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। और बाबूजी मैंने भी प्रयास किया है कि मेरे खंड गीत में आ जाए कि मार गई। और जरा सुनिए कैसे मार गई, कैसे। अभी एक भौजी उधर से आपने सुनी थी, एक हमारी तरफ से सुनिए। सुनिए। और ये भी बड़ी विचित्र भौजी है। कैसी भौजी है? कैसी बाबूलाल भैया, जिस समय द्रौपदी के लिए दुर्योधन ने आदेश किया, पांचों पांडव जुआ खेलने बैठे हैं, दुर्योधन द्रौपदी को भी दुर्योधन ने जीत लिया। और जब जीत लिया तो दुर्योधन हंसते हुए कहने लगा कि जाओ जाओ जाओ, द्रौपदी के बाल पकड़ कर खींच कर सभा में लाया जाए और इसकी साड़ी उतार कर इसको नग्न करके मेरी जांग पर बिठा दिया जाए। बीच सभा में एक नारी लाकर खड़ी कर दी गई। आप सोच कर देखिए कैसा लग रहा होगा। दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन उस बहन ने अपने भैया, जैसे समझ लीजिए क्रांतिमाला के लिए बाबूलाल भैया, और क्या, वैसे उस बहन ने अपने कन्हैया भैया को याद किया और कन्हैया को आना पड़ा। कन्हैया ने इतनी चीर बढ़ा दिया, इतना साड़ी को बढ़ा दिया कि खींचने वाला दुशासन बेहोश हो गया। और जब बेहोश हो गया, द्रौपदी का सम्मान बच गया, तो वहाँ के देखने वाले लोग दुर्योधन के लिए कहने लगे, क्या वो कहने लगे कि एक तो इसको इसकी नीचता ही मार गई, सम्मान बच गया, तो लोग कहने लगे क्या कि एक तो इसको इसकी नीचताई मार गई, दूजे इसे शकुनी की चतुराई मार गई, तीजे अहंकार की करुआई मार गई, तीजे अहंकार की करुआई मार गई, और चौथे पांडवों से बुराई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई। तीजी लाइन में आपने क्या कहा था, क्या
से हमें खुदा की खुदाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। लेकिन आपकी कटपीस की लाइनें आ रही हैं। इसको इसे, अरे एक तो इसे इसकी नीचताई मार गई, दूजे शकुनी की चतुराई मार गई, और तीजे अहंकार की गरवाई मार गई, चौथे पांडवों की सत्यताई मार गई, अरे बाकी जो बचा तो भौजाई मार गई, भौजाई मार गई। भौजाई पीछा नहीं छोड़ रही है ना भैया ना। बहन क्रांति माला जी, लेकिन फिर एक सौ बात की एक बात बता रहा हूं। क्या पांडे जी, महाभारत हुआ, महाभारत हुआ, चढ़ क्या है? एक तो हाल अपनों की बुराई कर गई, बहन जी सुनेगा, धन की चाहत दुखदाई कर गई। पांच गांव, अरे पांच गांव तो बहुत दूर है, एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। एक एक लाइन को सुनेगा। दूजे धन की चाहत दुखदाई कर गई, तीजे वो मद की मदमाई कर गई, और चौथे दूर भाई से भाई कर गई। और हकीकत ये है बहन क्रांति माला जी, चौथे दूर भाई से भाई कर गई, और सारा खेल, वो सारा खेल भौजी की हंसाई कर गई। क्यों? अगर द्रौपदी ना हंसी होती और ये ना कहा होता कि अंधे का पुत्र अंधा, तो ये मामला बढ़ता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सारा हाल भौजी की हंसाई कर गई, हंसाई कर गई, सारा हाल भौजी की हंसाई कर गई।